भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते उन्हें निलंबित किया। निलंबन के बाद पृथ्वी शॉ ने कहा कि इस बैन ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने कहा कि इस झटके से और मजबूत होकर वो वापसी करेंगे। टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट खेल चुके इस युवा बल्लेबाज ने ट्वीट कर कहा कि मुझे आशा है कि ये हमारे खेल बिरादरी में दूसरों को प्रेरित करेगा कि हम खिलाड़ियों के रूप में चिकित्सा संबंधी बीमारियों के लिए किसी भी दवा को लेने में बेहद सावधानी बरतें, भले ही दवा काउंटर पर उपलब्ध हो, हम हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है और मेरे लिए भारत और मुंबई के लिए खेलने से बड़ा कोई गर्व नहीं है। मैं इससे भी तेज़ और मजबूत बनूंगा। पृथ्वी शॉ ने 22 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान अपना यूरिन सैंपल दिया था। उनके सैंपल की जांच हुई जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ टर्बुटालाइन के अंश पाए गए थे। ये पदार्थ वाडा के प्रतिबंधित पदार्थ की सूची में शामिल है। पृथ्वी शॉ ने कहा कि मैंने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया। ये मैंने तब लिया था जब मुझे फरवरी में इंदौर में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में खेलते समय गंभीर खांसी और जुकाम हुआ था। मैं पैर की चोट से उबर रहा था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान लगी थी और मैं उस टूर्नामेंट में सक्रिय क्रिकेट में लौट रहा था। खेलने की उत्सुकता को लेकर मैंने कफ सिरप का डोज लेने को प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। बीसीसीआई ने कहा कि मुंबई क्रिकेट संघ के पंजीकृत पृथ्वी शॉ को डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है। शॉ ने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था जो आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है। पृथ्वी शॉ ने 22 फरवरी 2019 को एक अलग मैच के दौरान अपना सैंपल दिया था जिसमें इस पदार्थ के अंश पाए गए थे। शॉ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी माना लेकिन कहा कि उन्होंने अनजाने में इस पदार्थ का सेवन किया है। बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ द्वारा दिए गए तर्क को कबूल किया है और उन्हें 15 नवंबर तक के लिए निलंबित किया गया है। एएनपी न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।